बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं राणा ज़हीर हसन साहब, सदर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब रजिस्टर्ड खुड़ियावाला। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। राणा साहब, मलिक असलम जो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के प्लेयर भी हैं, उन्होंने फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब रजिस्टर्ड खुड़ियावाला की मैनेजमेंट के कोलेबोरेशन से फ्रेंड्स स्पोर्ट्स चैनल का आगाज़ किया है, आपका इस बारे में इजहार ख्याल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशाइन बात है ये फ्रेंच क्रिकेट क्लब के साथ उसके खिलाड़ियों का या खेल से क्रिकेट से प्यार करने वाले लोगों को जो है ये सब एक ऐसा इकदाम है कि उन्होंने अपने क्लब को की तरफ से खेलते हुए ना सिर्फ अपने क्लब का नाम रोशन किया बल्कि अपना इस चैनल का नाम भी फ्रेंड्स के नाम पर रख के उन्होंने इस बात को यहाँ किया है कि हम क्रिकेट लवर हैं और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के जो हैं हम उसको प्यार करने वाले लोग हैं। सदर साहब, ख़ास तौर पे बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन राणा ज़हीर हसन साहब, आपने इस चैनल को शुरू करवाने में, इसकी मोटिवेशन में आपने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अपने हवाले से क्या कहेंगे कि इस चैनल को जो आपने मॉरल सपोर्ट फराहम की है उसके बारे में कुछ अल्फाज? देखिए, मेरा तो हर वक्त यही होता है कि क्रिकेट की प्रमोशन, किसी भी खेल की प्रमोशन के लिए मैं हमेशा ही मेरी खिदमात जो हैं वो सबके सामने हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे जो हैं वो मैदान में आएँ, खेलने के लिए आएँ। हाँ जी, और आज के दौर में जबकि हर बच्चे के घर में इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको ग्राउंड में लेके आना, वो भी क्रिकेट जैसे खेल के लिए, तो ये एक जिहाद के मुतरादिफ है। तो इसलिए अगर एक चैनल जो है वो अब क्रिकेट की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में जाएंगे, हाँ जी, उनको वो कवरेज देंगे और मुख्तलिफ जगह पे वो दूर दूर तक वो चीज़ देखी जाएगी, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन अगर है तो मेरे लिए ये बात से फख्र है। सदर साहब, क्योंकि ये एक ऑफिशियल चैनल है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का, तो ज़ाहरी बात है इस हवाले से आप फ्यूचर प्लान भी किए होंगे, तो फ्यूचर इकदाम क्या हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, आपका क्या नुक्ता नज़र है इस बारे में? मेरे ख्याल में हमारे असलम साहब और उनके जो साथ लोग हैं उनको चाहिए कि जितने भी ज़्यादा टूर्नामेंट फैसलाबाद की सतह पर डिस्ट्रिक्ट में या उससे आगे जो ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से टूर्नामेंट्स आते हैं बड़ा वाले ग्राउंड में या इकबाल स्टेडियम में, उनको कवरेज दें। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बढ़ाएं लोगों के साथ। एक दो लोग और भी हैं जो कि इसी शोबे में हैं, उनके साथ अपने रवाबत काम करें, उनके साथ शेड्यूल लें, मुझसे शेड्यूल ले लें कि जी जैसे अभी जो है वो बोर्ड की तरफ से एक शेड्यूल आया है तो टूर्नामेंट्स शुरू होने वाले हैं। हाँ जी, तो उनको कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा जब ये चैनल कवरेज करेगा मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स की, पीसीबी के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की, प्राइवेट लोगों के टूर्नामेंट्स की, तो उतना ही जो है ये क्रिकेट की प्रमोशन होगी और इस चैनल की बेहतरी होगी। सर साहब, अमली तौर पे आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? अमली तौर पर यही है कि हम इसको प्रमोट करेंगे, हम इसके साथ खड़े हैं, इसके पीछे खड़े हैं। अगर हमने ये शुरू करवाया है तो इसको हर तरीके से जो है इसकी प्रमोशन के लिए हम हर वक्त तैयार हैं माशाल्लाह। सर साहब, आपका स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पर इस चैनल के हवाले से कोई आखिर में ख़ास पैगाम? पैगाम स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि खिलाड़ियों को कुछ भी हो अमली तौर पर ग्राउंड में आना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो घर बैठे हुए ही सारा कुछ देखते रहें या टीवी पे मैचेस देखते रहें, उससे ये होगा कि ज़हनी तौर पे वो स्ट्रांग हो गए, ग्राउंड में आएंगे, चाहे जाए कि अब हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास बहुत सारे इंटरटेनमेंट घर में मौजूद हैं, उसके हाथ में मोबाइल की शक्ल में है, लेकिन ये चैनल जो है इस बात को प्रमोट करेगा फ्रेंड्स का जो चैनल है कि वो बच्चे को खींच के ग्राउंड में लाएगा, चाहे वो घर बैठा देखेगा कि ये फलां जगह मैच हो रहा है, जैसे कि करंट एक फ्लड लाइट टूर्नामेंट खुलने वाला मैच आ रहा है, हमारा चैनल उसको कवरेज दे रहा है, तो जब ये लोग देखेंगे तो वो उस टूर्नामेंट को देखने, खेलने या उसमें पार्टिसिपेशन किसी भी तरीके से करने के लिए खुद ग्राउंड में आएंगे। जब वो आप खुद ग्राउंड में आएंगे तो यही इस चैनल की हमारी जो है ये सक्सेस है। अगर मैं राणा ज़हीर हसन साहब, सदर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से इतना वक्त निकाला इस चैनल के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए। आप पहले भी इकदाम करते रहे हैं, उम्मीद है आगे भी इसी तरह आप अमली किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।